दिसंबर 24, 1999, इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने काठमांडू से न्यू दिल्ली आने के लिए उड़ान भरी, लेकिन ये फ्लाइट कभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की, जिसे पाकिस्तान के एक टेररिस्ट ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन ने हाईजैक कर लिया था। 1998 में मसूद अजहर द्वारा बनाया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हरकत उल मुजाहिदीन एक पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिक जिहाद ग्रुप है, जो प्राइमरली कश्मीर में एक्टिव है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव कश्मीर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना है। पब्लिक डोमेन में मौजूद इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, टेररिस्ट ने लखनऊ के पास फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर इसमें सवार 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स को बंदी बना लिया था। टेररिस्ट द्वारा इस फ्लाइट को लखनऊ से अमृतसर रिफ्यूलिंग के लिए ले जाया गया, जहां से इस फ्लाइट को तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान के एक शहर कांधार में कैप्टिव बनाकर रखने के लिए लाया गया। 8 दिनों तक बंदी बने रहने के बाद इस फ्लाइट में सवार 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए तत्कालीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को मजबूरन 3 टेररिस्ट मसूद अजहर अलवी, सैयद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जारगर को रिहा करना पड़ा, जिन्होंने आगे चलकर 9/11 और 2006 मुंबई अटैक जैसे टेररिस्ट हमले प्लान किए। दोस्तों, आज हम 1999 में हुए फ्लाइट IC-814 के हाईजैक की कहानी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ टेररिस्ट ने सिक्योरिटी चेक्स को ब्रीच करके इंडियन प्लेन को हाईजैक किया और हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1994 में, जब मसूद अजहर फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर पाकिस्तान से श्रीनगर इंडिया में आया। उसका इंडिया आने का मकसद कश्मीर में आतंकवाद फैलाना था। 11 फरवरी 1994 अनंतनाग के पास खानाबल से इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स ने मसूद अजहर को अरेस्ट किया। मसूद को इंडियन जेल से निकालने के लिए 2 फेल्ड अटेम्प्ट किए गए। जुलाई 1995 में मसूद के टेररिस्ट ने जम्मू एंड कश्मीर से 6 फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप कर लिया। टूरिस्ट के बदले मसूद अजहर की रिहाई की मांग की गई, लेकिन वो मसूद को रिहा नहीं करवा पाए। 1999 में मौलाना को इंडिया जेल से निकालने के लिए एक फेल्ड जेल ब्रेक अटेम्प्ट भी किया गया। जब कॉन्स्पिरेटर्स अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने एक हाईजैक कॉन्स्पिरेसी प्लान करनी स्टार्ट की। फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करने की प्लानिंग जुलाई 1998 से शुरू हो गई थी। 1998 में मौलाना के ब्रदर इन लॉ यूसुफ अजहर ने अब्दुल लतीफ को इंडियन जेल से मौलाना को रिहा करवाने के लिए बोला। सितंबर 1999 बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से सब्जी मंडी एरिया में एक रेंटेड अपार्टमेंट में 5 लोग, इब्राहिम अथर, सनी अहमद काजी, शाहिद सईद अख्तर, जहूर इब्राहिम मिस्त्री और शाकिर रहने आए। इब्राहिम अथर ने बताया कि इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को काठमांडू एयरपोर्ट से आराम से हाईजैक किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन पैसेंजर्स को नेपाल में ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इंडियंस को सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अब्दुल लतीफ को इन 5 हाईजैकर्स के लिए फेक इंडियन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इंडिया भेजा गया। इस काम में लतीफ को 2 महीने का समय लगा। अक्टूबर 1999 के एंड में लतीफ इन फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ नेपाल आ गया। इन फेक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अथर का नाम AA शेख और काजी का नाम SA काजी था, तो दूसरी तरफ शाहिद सईद अख्तर एक डॉक्टर बन गया। जहूर इब्राहिम मिस्त्री का नाम भोला और शकीर का नाम बदलकर शंकर कर दिया गया। तो वहीं 2 कॉन्स्पिरेटर्स शहीद सईद अख्तर और यूसुफ नेपाली ने दिलीप कुमार भुजेल की मदद से कालिम्पोंग से 3 ग्रेनेड्स और 3 रिवॉल्वर्स खरीदे। दिसंबर 13, सारे कॉन्स्पिरेटर्स फाइनल प्लानिंग के लिए काठमांडू जू में मिले। प्लान के मुताबिक अथर हैंड ग्रेनेड्स और रिवॉल्वर के साथ एयरपोर्ट में जाएगा। जैसे ही वहां सिक्योरिटी चेक को पास कर लेगा, वे सनी अहमद काजी और शकीर यानी शंकर को एयरपोर्ट में आने का सिग्नल देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लतीफ ने अथर, काजी और अपने लिए बिजनेस क्लास की टिकट्स परचेज की, तो वहीं शाहिद सईद अख्तर, जहूर इब्राहिम मिस्त्री और शकीर के लिए इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट की एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट्स परचेज की गई। 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस ईव पर इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के लिए उड़ान भरी। इस इंडियन एयरलाइंस
एयरबस A300 यानी IC-814 को पायलट कैप्टन देवी शरण अपने चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा के साथ फ्लाई कर रहे थे। जब फ्लाइट ने काठमांडू से उड़ान भरी तब इसमें सवार लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 1 hour and 40 minutes की उनकी ये फ्लाइट कभी अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाएगी। 24 दिसंबर की शाम को लगभग 5:30 बजे जब IC-814 प्लेन इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुआ तो इसमें सवार 5 टेररिस्ट ने प्लेन पर कब्जा कर लिया। इन 5 में से एक टेररिस्ट ने प्लेन के पायलट कैप्टन देवी शरण को प्लेन बॉम्ब से उड़ा देने की धमकी देते हुए फ्लाइट को लाहौर की तरफ ले जाने के लिए कहा। रेड मास्क में खड़े बाकी के 4 टेररिस्ट ने इस प्लेन में मौजूद सभी 191 लोगों को अपना हॉस्टेज बना लिया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक इंडियन हाईजैक प्लेन को अपनी टेरिटरी में लैंड करवाने की वजह से होने वाले कंसिक्वेंसेस को लेकर चिंतित थी, इसलिए उन्होंने फ्लाइट IC-814 को लाहौर में लैंड करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। क्योंकि ये फ्लाइट सिर्फ नेपाल से न्यू दिल्ली तक की दूरी का सफर तय करने वाली थी, इसलिए इसमें लिमिटेड अमाउंट में फ्यूल प्रेजेंट था। आईसी फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण ने फ्लाइट में इनसफिशियंट फ्यूल के बारे में हाईजैकर्स को इन्फॉर्म किया और उन्हें फ्लाइट अमृतसर पर लैंड कराने के लिए परसुएट किया। हाईजैकर्स को मजबूरन कैप्टन देवी शरण को प्लेन अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करने की परमिशन देनी पड़ी। इंडियन अथॉरिटीज के लिए टेररिस्ट से प्लेन पर कंट्रोल हासिल करने की ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन दिल्ली और अमृतसर के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से एक कॉमन डिसीजन नहीं लिया जा सका, जिसके कारण फ्लाइट अमृतसर से रिफ्यूल हुए बिना ही चली गई। पंजाब पुलिस के पर्सनल एयरक्राफ्ट के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होते ही उसमें मौजूद टेररिस्ट पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को डर था कि ऐसा करने से प्लेन में प्रेजेंट हॉस्टेजेस की जान को खतरा हो सकता है। इसके कारण रिफ्यूलिंग में हो रही देरी की वजह से टेररिस्ट को पॉसिबल अटैक पर शक हो गया और उन्होंने पायलट को फ्लाइट बिना रिफ्यूल किए ही उड़ाने की धमकी दी। लो फ्यूल लेवल की वजह से पाकिस्तान के लाहौर शहर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने पहले इंडियन एयरलाइंस को उसके एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था और लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग रोकने के लिए सारी एयरपोर्ट लाइट्स को पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ द्वारा बंद कर दिया गया। हाईजैकर्स कैप्टन शरण पर लैंड करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। अपने विजुअल इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए कैप्टन शरण ने एक वेल लिट रोड को रनवे समझकर प्लेन को उस रोड पर उतारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया था कि ये कोई रनवे नहीं है और उन्होंने ये लैंडिंग अबॉर्ट कर दी। इस क्रैश लैंडिंग को देखते हुए पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को लाहौर एयरपोर्ट का रनवे चालू कर लैंडिंग की परमिशन देनी ही पड़ी। लाहौर एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने प्लेन रिफ्यूल कर दिया, लेकिन वहाँ की अथॉरिटीज़ ने कुछ विमेन और चिल्ड्रन पैसेंजर्स को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की पायलट की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, लखनऊ के पास फाइट हाईजैक होने के बाद से और लाहौर एयरपोर्ट पहुँचने तक हाईजैकर्स के पास वेपन्स के रूप में सिर्फ एक नाइफ देखा गया था। पैसेंजर्स के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें एक पैकेज पास किया जिसके अंदर गन्स मौजूद थी। रिफ्यूलिंग के बाद फ्लाइट ने लाहौर से रात 10:32 पर दुबई के लिए उड़ान भरी। लाहौर से उड़ान भरने के बाद किसी को नहीं पता था कि अब यह फ्लाइट कहाँ जाने वाली थी। फ्लाइट के गल्फ एरिया के पास पहुंचने के बाद यह अनुमान लगाया गया कि फ्लाइट दुबई जा रही है। दुबई में केसी सिंह जो उस वक्त के इंडियन एम्बेसडर थे उन्होंने दुबई अथॉरिटीज से एयरक्राफ्ट को लैंड करने की परमिशन दिलवाई, लेकिन UAE अथॉरिटीज क्रिसमस के रश को देखते हुए अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के बाद UAE के कमांडर ऑफ द एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने फ्लाइट IC-814 को अल मिनहाद एयरबेस पर लैंड होने की परमिशन दी। जब तक प्लेन दुबई के मिलिट्री एयरपोर्ट पर लैंड हुई इसमें सवार एक पैसेंजर की हत्या हो चुकी थी और कई पैसेंजर्स घायल थे। 25 वर्ष के रूपन कात्याल की हाल ही में शादी हुई थी और वे अपनी पत्नी के साथ अपने हनीमून से लौट रहे थे। काठमांडू से फ्लाइट बोर्ड करते वक्त उनकी पत्नी को इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि वे अपने पति को आखिरी बार देख रही हैं। 5 टेररिस्ट में से एक जहूर मिस्त्री ने बड़ी ही बेरहमी से रूपन कात्याल की हत्या कर दी थी। दुबई के मिलिट्री एयरपोर्ट पहुंचने के बाद 27 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया गया और रूपन कात्याल की बॉडी को भी इसी एयरपोर्ट पर फेंक दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट से इंडियन मिलिट्री के साथ इस क्राइसिस को समाप्त करने के लिए एक कमांडो ऑपरेशन करने की परमिशन देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया गया। इतना ही नहीं, दुबई के कमांडर ऑफ द एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस मोहम्मद बिन जायद ने दुबई में मौजूद इंडियन एम्बेसडर केसी सिंह और कौंसल जनरल अशोक मुखर्जी को फ्लाइट IC-814 को देखने तक की परमिशन नहीं दी।
तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन जायद के छोटे भाई उस वक्त दुबई के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर रहे। अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल CNN को इस पूरी घटना का अल मिनहाद एयरबेस से हॉस्टेज एयरक्राफ्ट के लाइव टेलीकास्ट करने की परमिशन दे दी। फ्लाइट IC 814 ने एक बार फिर उड़ान भरी। पहले की तरह इस बार भी किसी को इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन का अंदाजा नहीं था, लेकिन एक फोन कॉल ने इंडियन अथॉरिटीज के इस क्वेश्चन का जवाब दिया। अरियाना अफगान एयरलाइंस के मैनेजर ने अशोक मुखर्जी को फोन कर बताया कि ये फ्लाइट अब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कांधार अफगानिस्तान जा रही है। आज की तरह उस वक्त भी अफगानिस्तान तालिबान के शासन में था और इंडियन गवर्नमेंट ने तालिबान को उस वक्त भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानने से इनकार कर दिया था। एयरक्राफ्ट के कांधार में लैंड होते ही तालिबान मिलिटेंट्स ने एयरक्राफ्ट को घेर लिया। तालिबान ने दावा किया कि ये हाईजैकर्स को हॉस्टेज को मारने या घायल करने से रोकने का एक प्रयास था, लेकिन वास्तव में यह हाईजैकर्स के खिलाफ किसी भी तरह के इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने के लिए किया गया था। अफगानिस्तान में इंडियन हाई कमीशन न होने की वजह से इस्लामाबाद पाकिस्तान के इंडियन हाई कमीशन से एक ऑफिशियल को नेगोशिएशन के लिए भेजा गया। इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तालिबान ने हाईजैकर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच मीडिएटर्स की भूमिका निभाई। हाईजैकर्स ने इंडियन जेल में बंद 35 मिलिटेंट्स और $200 मिलियन की मांग करी। नेगोशिएशंस के लिए विवेक काटजू के अंडर गई इंडियन टीम ने तालिबान की हेल्प से हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप हाईजैकर्स ने 3 टेररिस्ट मुश्ताक अहमद जारगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद असर को रिहा करने की मांग रखी। इंडियन गवर्नमेंट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। हॉस्टेजेस की फैमिली और लोगों द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट को देखते हुए तीनों टेररिस्ट को रिहा कर तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ कांधार भेजा गया। 3 मिलिटेंट्स के कांधार में उतरने के बाद फ्लाइट में सवार हॉस्टेजेस को फ्री कर दिया गया। 31 दिसंबर 1999 को फ्री किए गए हॉस्टेजेस को एक स्पेशल प्लेन की मदद से इंडिया वापस लाया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इस केस में शामिल 10 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। इन 10 में से 7 लोग, जिनमें 5 हाईजैकर्स भी शामिल हैं, आज भी पाकिस्तान में हैं। बाकी 3 टेररिस्ट अब्दुल लतीफ, यूसुफ नेपाली और दिलीप कुमार भुजेल को पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा इस केस में दोषी पाया गया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। मौलाना मसूद असर रिहा किए गए 3 टेररिस्ट में से एक था। 2000 में उसने टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद को बनाया। मसूद अजहर का ग्रुप 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक, 2016 उरी अटैक और 2019 पुलवामा अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अहमद उमर सईद शेख अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल के अबडक्शन और एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना ही नहीं, USA में हुए 9/11 अटैक में भी अहमद की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। अफ्रीकन गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने अहमद उमर सईद को 2002 में अरेस्ट कर डेथ सेंटेंस सुनाया, लेकिन उसकी डेथ सेंटेंस कंटिन्यूसली डिले की जाती रही। अहमद आज भी कराची जेल में रह रहा है। रिहा किया गया तीसरा टेररिस्ट मुश्ताक अहमद जारगर आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप रन करता है। 1999 में शायद ही इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि 160 पैसेंजर्स के बदले जिन 3 टेररिस्ट को गवर्नमेंट रिहा कर रही है, वो आगे चलकर न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा बनने वाले हैं। आज इन 3 टेररिस्ट की वजह से पूरे विश्व में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मसूद अजहर द्वारा स्टार्ट किया गया जैश ए मोहम्मद आज न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक खतरा बन चुका है। इंडिया से अलग कर पाकिस्तान में मर्ज करने के मोटिव के साथ जैश ए मोहम्मद कई सालों से कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट और फाइनेंस कर रहा है। मसूद अजहर का ये ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के यंग लड़कों को ब्रेन वॉश कर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के अगेंस्ट यूज़ करता है। दोस्तों, हाल ही में आई एक न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस हैक में शामिल और 25 वर्ष के रुपिन कत्याल की हत्या की जिम्मेदार 5 टेररिस्ट में से एक जहूर मिस्त्री का पाकिस्तान में मर्डर कर दिया गया है। जहूर मिस्त्री कराची में जहीद अखुन बनकर रह रहा था। जहूर जब 1 मार्च की सुबह अपनी फर्नीचर की शॉप पर पहुंचा तो 2 आर्म्ड मोटरसाइकिलिस्ट ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पाकिस्तान के एक न्यूज़ आउटलेट GOTV ने जहूर मिस्त्री की रियल आइडेंटिटी को छुपाते हुए इसे एक बिजनेसमैन का मर्डर रिपोर्ट किया है। इस इंसिडेंट को हुए 22 साल बीत जाने के बाद आज भी इस हाईजैक में शामिल 2 टेररिस्ट मसूद अजहर का भाई इब्राहिम अजहर और रौफ अजगर आज़ाद घूम रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्लाइट IC 814 के हाईजैक की। इस पूरी कहानी को देख के आपका क्या ओपिनियन है? कहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से गलती हुई और कहाँ पे उन टेररिस्ट को आज़ाद किए बिना हमारे पास प्लेन को वापस लेने का मौका था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।